सो हेलो गाइस गाइस देखिए, आज मैं आपके साथ एक चैलेंज लेके आया हूँ कि आज मैं एक चैलेंज करूँगा। अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल से मैं लॉर्ड शिव का स्केच बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। सो देखिए, यहाँ पे मैंने एक अप्सरा की एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल ले लिया है, 5 रुपीज़ की आएगी। इसके अलावा मैं इरेजर यूज़ करूँगा, डॉम्स की नॉन डस्ट फ्री, और ईयरबड यूज़ करूँगा, साथ में मैं यूज़ करूँगा टिश्यू पेपर। और गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे स्केच बनाना स्टार्ट कर दिया है, और ये शिव जी की बहुत आराम से बना रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा देखा था कि कैसे बना सकता हूँ मैं शिव जी, तो मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी जगह से देखा कि कैसे बनाते हैं सब लोग, लेकिन मैं भी वैसे ही बनाना सोचा, लेकिन वो तो कॉपीराइट आ जाता। तो मैंने अलग तरीके से बनाने का ट्राई किया, इसलिए मैंने फ़ोन के अंदर गूगल ओपन करा और सर्च मार लिया। एंड गाइस, अब मैंने स्केचिंग शुरू कर दी, और अब पीछे का एरिया पूरा पूरा एरिया मैंने ब्लैक कर दिया है, जिससे कि अच्छे से मेरे को हमेशा अपने स्केचेस में ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि पूरा एरिया ब्लैक हो जाए पीछे से। और गाइस, मैंने टिश्यू का पैकेट ओपन करा ही था कि उसमें से 2 टिश्यू झटके से ही फट गए। गाइस, और यहाँ पे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, एक जगह अगर मैं अच्छे से इरेज कर दूं तो वहां पे दाग से पड़ जाते हैं। जैसे देखिए, मेरी शीट पे अब दाग पड़ गए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है। गाइस, अब मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया कि वो दाग हट जाए, लेकिन यहाँ पे बताने के वो दाग वापस आ जाते हैं बार बार। तो मैंने अब डार्क करके अब मैं करूँगा शिव जी के अंदर स्केचिंग। तो गाइस देखिए, ये बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल है, 12 ग्रेफाइट पेंसिल जितनी डार्क ही है ये वैसे तो। अब मैं यहाँ पे इरेजर यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए, पर शिव जी की आईज थोड़ी ज़्यादा ब्लैक हो गई है। एंड गाइस, मेरी बहुत सारी ऐसी स्केचेस की वीडियो है, और अब मैं स्केचिंग करना भी सीख रहा हूँ, तो ये मेरे दूसरे तीसरे स्केच में होगा। मैंने 4-5 स्केच बनाए हैं पहले, लेकिन उनकी मैंने कभी वीडियो नहीं डाली। सो गाइस, अब से मैं स्केचिंग के वीडियोस भी डालने वाला हूँ। सो गाइस, आप मेरे को बताइए मेरे को किन किन के स्केच बनाने चाहिए, जैसे कोई फेमस पर्सनालिटी होते हैं उनके स्केच बनाने चाहिए। और गाइस, यहाँ पे ये दाग पड़ने की वजह से अच्छे से शेडिंग भी नहीं हो रही, तो पेंसिल तो बहुत अच्छी है, लेकिन शीट बड़ी दिक्कत वाली काम कर रहा है, जिसे देखिए, जैसे मैंने देखिए कितने सारी जगह तो हल्का सा हाथ लगाने से ब्लेंड हो गई, लेकिन यहाँ पे मेरे को पीछे वाले ब्लैक एरिया को टिश्यू पेपर पे रगड़ के फिर यूज करना पड़ा। और बाल बनाने के लिए मैं पता क्या करूंगा, मैं सारी जगह ब्लैक कर दूंगा, लाइट ब्लैक टिश्यू पेपर को पीछे एरिया पे घिसूंगा और यहाँ पे जाके कर दूंगा, और डार्क डार्क पेंसिल चला दूंगा जिससे कि अलग लुक आए। सो गाइस, हमारा स्केच तैयार हो चुका है, बहुत इजी स्केच था, बस वही चीज हो गई कि यहाँ पे वो इरेजर के धब्बे पड़ गए। और गाइस, अब अगली इसी स्केच की वीडियो आएगी कलर में, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो पे, कमेंट करके बताइए कैसी कटी लगी।